हाय हेलो नमस्कार पल्लवीज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मसाला राइस रेसिपी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल के लिया है। तो चलिए तेल को गर्म होने देते हैं। तो चलिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अब डालेंगे राई और इसको थोड़ा तड़कने देंगे। तो ये गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो चलिए इसको थोड़ा मिक्स करके लेंगे। तो चलिए मिक्स हो चुका है, इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज। तो ये देखिए इस तरह से हम प्याज डालने के बाद हमको इसको अच्छी तरह से लाल होने तक पका के लेना है। तो चलिए इसको थोड़ा साइड करेंगे और हम बीच में डालेंगे अब रोस्टेड पीनट्स। तो ये देखिए मैंने मूंगफली को ऐसे छिलके निकाल के लिया है, तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। तो चलिए ये भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मसाला लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारे मसाला राइस का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च डालनी है तो प्याज डालने से पहले आप इसको डाल लीजिए। तो ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। नमक डालते वक्त याद रखिए हमने चावल में भी नमक डाला है, इसलिए इसमें थोड़ा आपके स्वादानुसार ही नमक डालिए। तो ये देखिए मैंने राइस बना के लिया था, ये ठंडा हो चुका है और मैंने हाथ से इसको ऐसे अच्छी तरह अलग अलग करके लिया है। तो चलिए ये सभी राइस हम इसमें इसके अंदर डाल के लेंगे। तो रात का बचा हुआ राइस रहेगा, इसका भी आप ऐसे मसाला राइस बना सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये और बड़ों को तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। आप इसको फ्राइड राइस बोल सकते हैं, मसाला राइस बोल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से घर में बन जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से आप ये मसाला राइस बनाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ बेल बटन आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो चलिए मैं इसको सर्व करती हूँ। तो मैंने इसको एक प्लेट में सर्व किया है, तो आप इसको नींबू के साथ खा सकते हैं और हाँ आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म राइस ज़रूर आप बनाइए, खाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।